गाइस, आज का ये जो ब्लॉग है, एक सेकंड में पहले इसको म्यूट करके। सो आज का ब्लॉग हो रहा है मेरे घर से स्टार्ट, और घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए, पूरा घर गंदा पड़ा है। वैसे बेडशीट्स वगैरह सब झाड़ के मैंने अच्छे से बिछा दी थी, बाकी वॉश करनी है। वॉशिंग मशीन आज तो नहीं लगाऊंगी, कल ही लगाऊंगी। बाकी किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और अभी मैंने पुलाव बनाया है, विंडो ओपन कर रखी है ताकि बाहर थोड़ी हवा क्रॉस होती रहे। बहुत नीचे गंदा है, अभी इतना कैप्चर कर नहीं पा रहा होगा। मैं सोच रही हूँ झाड़ू तभी लगाऊं, क्योंकि देखिए फ़ैन की कंडीशन, फ़ैन को मुझे क्लीन करना है। दक्षु के पापा भी घर पे ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी हेल्प ले लेती हूँ, फ़ैन क्लीन करवा देंगे मेरे साथ, देन उसके बाद ही फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी। क्योंकि पहले झाड़ू लगा दिया ना, तो फिर बाद में फ़ैन क्लीनिंग करने के बाद फिर से मेरा काम ना डबल बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फ़ैन वगैरह क्लीन करके पहले खाना खा लेते हैं। भूख लग रही है बहुत तेज़, और बारिश का मौसम हो रहा था 2-3 दिन से। अभी मौसम अभी तो फ़िलहाल ठीक है, आज संडे का दिन है, संडे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड बस अभी क्लीनिंग करनी है पूरे घर में, पहले कुछ खा पी लेंगे, लंच वगैरह कर लेंगे, देन फिर क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। देखती हूँ पहले फ़ैन वैन सब साफ कर लूँ। सो अभी दक्षु के पापा गए हैं, दक्षु भी साथ में गया है दही वगैरह लेने। सामान भी घर का ख़त्म है, क्योंकि ना जैसे मैं चली गई थी तो फिर पीछे से सब्जियां वगैरह मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। अभी टी शर्ट गंदी हो रही है, इसको इग्नोर करना। तो सब्जियां वगैरह मंगवाने का फ़ायदा नहीं था, तो अभी इसलिए मैंने फिर मटर पुलाव बनाया है, आलू मटर वगैरह डाल के, बहुत अच्छा सा टेस्टी सा। सो अभी बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से आएँ, भूख लगी हुई है, लंच करें, देन फिर मैं कोई काम स्टार्ट करूँ। दक्षु भी साथ में ही गया हुआ है, इन्होंने भी आज छुट्टी कर ली थी। और बैग्स वगैरह मेरे सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, आप देख सकती हो, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। और सिर्फ कपड़े वगैरह इन्होंने पीछे से जो धुले थे अपने, इनके काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। एक्चुअली मेरे 8 दिन लग गए, मतलब एक हफ्ता ऑलमोस्ट मैं लगा के आई हूँ पंजाब। पीछे से जो भी कपड़े थे फिर इन्होंने धो लिए थे, वो मैंने फोल्ड करके अच्छे से रख दिए, क्योंकि बिखरा बिखरा जितना भी सामने सामने का जितना भी मतलब काम था ना, वो मतलब बिखरा हुआ देखा नहीं जाता। वो सामने का सारा काम मैंने निपटा दिया, जैसे काउंटर टॉप क्लीन करना, किचन को बेडशीट्स वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछानी, एंड कपड़े वगैरह फोल्ड करने, मतलब ये जो मेन सामने सामने का काम होता है वो सब मैंने निपटा दिया है साथ के साथ। और बस क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा ही है मेन, और कपड़े धुलूंगी कल, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। सो अभी ये आती होंगे दही लेके, फिर हम लंच करके फिर काम स्टार्ट करते हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया गाइज, और ये देखिए फ़ैन सारे क्लीन हो गए हैं, झाड़ू लगाना है अभी। ये देखिए इस वाले रूम में अभी झाड़ू लगाया है, तो इतने दक्षु नहा रहा था, अभी इसके पापा नहा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको कपड़े पहना देती हूँ। दक्षु टॉवल ले लो ऊपर, टॉवल ले लो ऊपर, ऐसे ठंड लग जाएगी, मौसम ख़राब हो रहा है। अभी इसको कपड़े पहनाने हैं, उसके बाद फिर ये झाड़ू लगाने का काम रिकॉन्टिन्यू करूँगी। ये देखिए ये भी फ़ैन क्लीन हो गया, और ये अंदर वाला फ़ैन भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। इस रूम में लग गया झाड़ू, बाकी इधर लगाना है अभी, पहले इसको कपड़े पहना देती हूँ।
पास सारा इरेज करो ऊपर वाले बटन है ना जो। ओके मैम इसको ओके ओके सो गाइज़ यहाँ पे मेरा झाड़ू वगैरह सारा लग गया है, पूरा नीचे स्टेयर्स तक झाड़ू लगा के आई हूँ मैं, क्योंकि पूरे 8 दिन से मतलब 1 हफ्ते से मैं घर पे नहीं थी, तो फिर स्टेयर्स वगैरह भी ऐसी गंदी पड़ी हुई थी, पूरा घर इतना गंदा था। तो आके बस पूरे घर की अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग करूँगी अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अच्छे से डस्टिंग करूँगी, क्योंकि डस्टिंग ना मैं बाद में ही करती हूँ, झाड़ू लगाते टाइम ना फिर से धूल मिट्टी सामान पर पड़ जाती है, तो उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ एंड में एकदम सारा धूल मिट्टी का काम होने के बाद। सो अभी फ़िलहाल मैं हाथ मुँह धो के अभी थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई हूँ, मैंने कहा चलो पहले जो सोफ़ा के ऊपर पूरा खलारा मचा हुआ है वो सब हटा देती हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे गीला टॉवल इन्होंने रख दिया है, सो बस अभी ये सारा सामान अच्छे से वेल सेट कर दूंगी। जितना भी मेरा लगेज था पंजाब का, मतलब सामान जो भी मेरा लेके गई थी मैं, वो सब तो मैं अभी एक दो दिन बाद ही अनपैक करूंगी, अभी नहीं करूंगी, क्योंकि एक ही दिन में फिर सारा काम कर लूंगी, तो फिर क्यों, फिर खाना वाना भी बनाना होता है, डिनर भी प्रिपेयर करना है रात को, तो उस सब की भी तैयारियाँ करनी है मेरे को, क्योंकि आज पूरा दिन ना मेरा क्लीनिंग में ही निकल गया, पूरे घर की क्लीनिंग की, अच्छे से डस्टिंग वगैरह की। आपको पता है कि सारे घर के फ़ैन वगैरह, तीनों रूम के फ़ैन वगैरह सब मैंने क्लीन किए। सो फ़ैन तो चलो मेरे हस्बैंड ने हेल्प करवा दी थी साथ में, इनके हेल्प से ही मैं क्लीन कर पाती हूँ, अदरवाइज़ क्लीन नहीं कर पाती। सो फिर इन्होंने हेल्प कर दी थी, तो
मैं फिर ना चेयर वगैरह पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, फिर ये साफ़ कर देते हैं ऊपर चढ़ के, क्योंकि मेरी आर्म में पेन होने लग जाता है ना मेरा जो हाथ है एक्सीडेंट वाला, तो मैं ज़्यादा देर ना ऊपर अपनी आर्म को करके खड़ी नहीं रह सकती इस वजह से। सो बस अभी उसके बाद सारा काम होने के बाद मैं अभी पोछा लगा दूँगी। सो पोछा वगैरह पूरे घर में अच्छे से फिनाइल डाल के पोछा लगाया मैंने, इतना अच्छा घर में महका दिया है मैंने, बहुत ही मतलब एक अच्छी सी वाइब आती है ना। तो सो एनीवेज अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है मेरा, नहाने जाऊंगी तो बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो अभी पानी, फिर प्यास लगती रहती है तो मैं ना थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीती रहती हूँ, काफ़ी पानी पी लेती हूँ मैं, और गर्मियां आ गई हैं तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और ज़्यादा पानी बढ़ा दीजिए अगर आप लोग भी पानी कम पीते हो तो, ज़्यादा पिया करो अच्छा है बॉडी के लिए। सो बस अभी पानी वानी पी के देन उसके बाद फिर मैं अपना नहा धो के फिर उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स मतलब थोड़ा आराम करूँगी एंड देन फिर अपना वही छोटे मोटे काम एडिटिंग वगैरह। क्या बोल रही हो? नहीं, आई लव यू, आई लव यू। देखो गाइस, गाइस मम्मा लिखो, मैं ये देखे आप आई लव यू बोल रहे हो, ये क्या है? डंडी। ऐसे कौन करता है ये देखे आई लव यू, कौन बोलता है? ऐसे अंकल। कौन से अंकल? ऐसे आई लव यू वाले। कहाँ पे देखे आपने? कहाँ देखे, किस में देखे? लैपटॉप में। लैपटॉप में? हाँ जी। अच्छा, फिर से जाओ, फिर से करके दिखाना। गाइस अभी देखना मतलब बच्चों को क्या क्या चीजें पता चल जाती हैं खुद से इधर उधर से देख के, अभी आएगा। आओ अब आओ, आई लव यू। मतलब इसकी तरफ से ना ये अपनी तरफ से मतलब ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि मैं फ्लावर दे रहा हूँ और आई लव यू बोल रहा हूँ, जैसे फ्लावर दे के आई लव यू नहीं बोलते, इसने लैपटॉप में किसी कार्टून में देखा होगा ऐसे वो चीज़ ये यहाँ पे करके दिखा रहा है मेरे को। मैंने सोचा फटाफट से मैं शूट करूँ। हाँ जी, आई लव यू। सारा तो खा गए आप जो लीफ था आपके हैंड में, अब आई लव यू किससे बोलोगे मम्मा को? चलो जाओ अब, ठीक है? मैं खा लूं प्लांट। खा लो प्लांट, खा लो खा लो, जाओ खा लो प्लांट। तो गाइस बस अभी सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड बस अभी नहाने जाना है मेरे को, दक्षु की कॉम वगैरह करनी थी वो सब करके फ्री हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया होगा। सो हेयर वगैरह वॉश नहीं करूँगी आज मैं, बस ऐसे ही नहा लूँगी क्योंकि हेयर वॉश करने के लिए मुझे ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग करनी थी वो मैंने की नहीं है तो वो मैं करूँगी कल, और हेयर वॉश भी करूँगी और कपड़े धुलने का काम भी कल ही करूँगी, वॉशिंग मशीन लगानी है। तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, लेती हूँ आपसे विदा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो।